विधानसभा के घेराव कर रहे नियोजित शिक्षकों पर पुलिस ने चलाई जमकर लाठियां, दर्जनों शिक्षक हुए घायल, महिलाओं को भी नहीं बख्शा। आंसू गैस की गोले दाग शिक्षकों के ऊपर बरसी लाठियां। अपनी मांगों को लेकर पटना गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर पुलिस ने बल का प्रयोग कर दर्जनों शिक्षक नेताओं को लहूलुहान कर दिया। सूत्रों के मुताबिक लगभग 2 से 2.5 लाख शिक्षक अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि पुलिस प्रशासन ने पहले वाटर कॉनर का प्रयोग किया, फिर आंसू गैस के गोली दागे, फिर बात नहीं बनी तो जमकर लाठियां बरसाई, जिसमें दर्जनों शिक्षक नेता घायल हो गए, जिन्हें शिक्षकों ने अपने साधनों से अस्पताल पहुंचाया। शिक्षक फिर भी डटे रहे एवं आक्रोशित शिक्षकों ने बीच सड़क पर हथकड़ी का सिंबल बनाकर बैठ गए। घायलों में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू सहित दर्जनों शिक्षक घायल हुए हैं, जिनका इलाज पटना में चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शिक्षकों को मांग का समर्थन करते हुए उनके नेताओं से मिला और समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का मांग जायज है। उन्होंने कहा किसी राज्य में गुरु को ऐसी दुर्दशा हो तो राज्य का दुर्भाग्य है। पटना से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। भाषण बंद करो।